हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल सिटी जर्नी पर। दोस्तों, हम आज बात करेंगे सूरतगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन की। सूरतगढ़ उत्तर पश्चिम राजस्थान के श्री गंगानगर जिले का एक प्रमुख शहर और तहसील है। सूरतगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन सूरतगढ़ शहर का एक प्रमुख रेलवे स्टेशन है। ये रेलवे स्टेशन आसपास के गाँव के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस रेलवे स्टेशन को राजस्थान के सबसे बड़े शहरों में से एक माना जाता है। ये उत्तरी सीमा से राजस्थान का प्रवेश द्वार है, या यूँ कहें कि थार का रेगिस्तान यहाँ से ही शुरू होता है। ये रेलवे स्टेशन सबसे पुराने व प्रमुख रेलवे स्टेशनों में से एक है। श्री गंगानगर जिले में सबसे अधिक ट्रेनों का संचालन यहीं से होता है, क्योंकि श्री गंगानगर में हनुमानगढ़ से आने वाली ट्रेनें यहां से होकर ही गुजरती है। दोस्तों, रोजाना 28 गाड़ियां इस रेलवे स्टेशन से होकर गुजरती हैं और रोजाना 8 गाड़ियां अपनी यात्रा को यहीं से शुरू करती हैं और रोजाना 8 गाड़ियां ही अपनी यात्रा को यहां पर समाप्त करती हैं। दोस्तों, सूरतगढ़ का रेलवे स्टेशन बठिंडा बीकानेर या बठिंडा जोधपुर रेल लाइन पर पड़ता है। इस रेलवे स्टेशन पर 4 प्लेटफॉर्म हैं और यहां पर जन सुविधाएँ बहुत ही अच्छी हैं। इस रेलवे स्टेशन से बठिंडा, दिल्ली, रोहतक, श्रीगंगानगर, बीकानेर, कालका, बाड़मेर, चंडीगढ़, डिब्रूगढ़, जोधपुर, फिरोजपुर, जम्मू, अहमदाबाद, झालावाड़, हजूर साहब, नदेड़ तक ट्रेन आराम से मिल जाती है। ये रेलवे स्टेशन देश के सभी बड़े शहरों से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा सूरतगढ़ से रामसिंहपुर, श्रीकर्णपुर, श्री विजयनगर, अनूपगढ़, महाजन, लूणकर्णसर जैसे स्थानीय कस्बों के लिए पैसेंजर ट्रेनें चलती रहती हैं। पूर्ण उधार के बाद ये रेलवे स्टेशन काफ़ी बड़ा और सुंदर हो गया है। साफ सफाई के मामले में इस रेलवे स्टेशन को राजस्थान में 8वां स्थान मिला है। इस रेलवे स्टेशन पर इलेक्ट्रिफिकेशन का काम पूरा हो गया है। अब जल्द ही बठिंडा से बीकानेर के लिए बिजली वाली गाड़ियों का संचालन शुरू होने वाला है। सूरतगढ़ से चलने वाली प्रमुख गाड़ियों में दिल्ली बीकानेर सुपरफास्ट एक्सप्रेस, कालका बाड़मेर एक्सप्रेस, अवध असम एक्सप्रेस, जन्मभूमि एक्सप्रेस, अहमदाबाद जम्मू तवी एक्सप्रेस, कोटा श्री गंगानगर सुपरफास्ट एक्सप्रेस, अबोहर जोधपुर पैसेंजर, श्री गंगानगर कोचुवली एक्सप्रेस, श्री गंगानगर नदेड़ साहब एक्सप्रेस शामिल हैं। कनेक्टिविटी के मामले में ये शहर काफ़ी अच्छा है। सूरतगढ़ रेलवे स्टेशन से बस अड्डे की दूरी लगभग 2 किलोमीटर की है। यहाँ से बठिंडा, हनुमानगढ़, सिरसा, अमृतसर, चंडीगढ़, बीकानेर, जयपुर तक बसों द्वारा जाया जा सकता है। इसी बस स्टैंड के पास सूरतगढ़ का प्राइवेट बस स्टैंड है, जहां से आसपास के गांव के लिए बसें ली जा सकती हैं। सूरतगढ़ का स्टेशन कोड SOG है और यहां का पिन कोड 335804 है। शहर के अंदरूनी भागों तक जाने के लिए रेलवे स्टेशन के बाहर ऑटो और टैक्सी भी आसानी से मिल जाती हैं। जहां तक ठहरने और खाने पीने का सवाल है, तो रेलवे स्टेशन के बाहर अनेक धर्मशालाएँ, होटल और ढाबे मौजूद हैं। यहाँ पर खाने पीने और रुकने की बहुत अच्छी व्यवस्था है। तो दोस्तों, ये तो बात रही सूरतगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन की। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।